हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। एक और नई सुबह हो चुकी है। बैकग्राउंड में देखिए चिड़िया की काफ़ी बढ़िया सुंदर प्यारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का दिन, देखते हैं दिन में आज दिन भर क्या क्या हो सकता है। और पहले देखते हैं एक बार सुबह के, आपको दिखाता हूँ सुबह के नज़ारे, खूबसूरत व्यू जा रहा होगा सुबह के टाइम में। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं, अपना खूबसूरत सा दिन शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग समय है और मैं घर से आ गया हूँ, दूध डेयरी की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि रोज़ का ही काम है दूध डेयरी पे ले जाओ, दूध पहुँचाओ। पहाड़ों की नॉर्मल लाइफ यही होती है। जो लोग यहाँ पे दुग्ध उत्पादन करते हैं वो लोग सभी अभी दूध देने के लिए डेयरी पे आएंगे। बाकी दिन तो शुरू हो चुका है पहाड़ों में और शहरों में सुबह के टाइम में। और आजकल मौसम कैसा हो रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सामने देखिए ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये दुकान सी दिख रही है एक, इससे थोड़ा आगे जाना है तो वहाँ पर है दूध की डेयरी। मैं हूँ अभी भलुवार वाटरफॉल रोड पे और सामने में है कसैलेग मार्केट हमारी। और यहाँ से देखिए नज़ारे सुबह के टाइम में। ये देखिए मैं सुबह बता रहा था बांझ पे नई कॉफी आ रही है आजकल। तो फ्रेंड इस प्रकार की रौनक बनी हुई है सुबह के टाइम में। तो सामने में है दूध की डेयरी, तो पहुँच जाता है वहाँ पर। तो फ्रेंड सुबह का माहौल है, मैं पहुँच चुका हूँ दूध डेयरी पर और थोड़ी भीड़ है यहाँ पर, वेट करना पड़ेगा थोड़ा, लाइन लगी हुई है। और ये भी हमारी पहाड़ी झलक है, ये पहाड़ी जीवन का एक स्वरूप है। और सामने की तरफ मुक्तेश्वर घाटी और सुबह का देखें क्या मस्त क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है। तो दूध फिलअप करेंगे फिर निकलेंगे। फ्रेंड अभी हो रहा है 9 बजे का समय और मैं जा रहा हूँ अभी अपने गजार गाँव की तरफ, जहाँ को रोड है, रोड साइड को जा रहा हूँ। पहुँच जाता हूँ वहाँ पर, पंकज भाई का वेट कर रहा हूँ। पंकज भाई आने वाला है मेरे साथ आज घर पर, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैक्टर से खेतों पे जुताई करनी है। तो पंकज भाई का मतलब कि पंकज भाई को यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ। और सामने है जोस्टल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जोस्टल आपने नाम सुना भी होगा और आप वहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो ये हमारे ही गांव में पड़ता है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वहाँ पर पहुँचते हैं, पंकज भाई के पास पहुँचते हैं, फिर उसके साथ निकलना है घर की तरफ। और मैं नज़ारे दिखाता हूँ। पहले मैं पहुंच गया हूं जोस्टल के यहां पे। ये है बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये है जोस्टल। इतना बड़ा एरिया है इनका, काफ़ी बढ़िया यहां पे इनका होटल चलता है। और सामने है चकुटा एरिया ये वाली, और सामने का व्यू आता है यहां से धानाचुली का। ये हमारे गांव का क्षेत्र है, इस तरफ भी नया निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर देखिए। तो इसी के पास में पंकज भाई का वेट करता हूँ, थोड़ी देर पंकज भाई आ जाता है फिर निकलेंगे घर की तरफ को। तो दोस्तों अभी हैं हम अपने खेतों पे और सामने में ट्रैक्टर, उस पर तेल वेल भरा जा रहा है। सामने में पापा पेड़ों पे, आड़ू के पेड़ों पे दवा डाल रहे हैं। और इस तरफ को देखिए बढ़िया गेहूं हो रखे हैं। तो इस प्रकार का हमारा जीवन होता है, खेती बाड़ी किसानी भी होती है। और ये पूरा ऑर्गेनिक गोबर की खाद इस पर बिछाई हुई है। तो ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद होगी खेतों की बढ़िया जुताई। दोस्तों फाइनली ये वाला खेत, जो पहला वाला खेत था हमारा, ये कंप्लीट होने वाला है। आसानी तो रहती है ट्रैक्टर से जुताई करने में, क्योंकि आप बैल नहीं होते, पहले तो बैलों द्वारा जुताई होती थी। और नीचे को देखिए इस तरफ को बढ़िया एकदम क्या ग्रीनरी नज़र आ रही है। ये सारे गेहूं हो रखे हैं नीचे, आड़ू मटर, और सामने में बढ़िया ग्रीन फॉरेस्ट आता है। और मौसम भी पता नहीं आज क्या कह रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है, बादल लगे हुए हैं काले आसमान में। नीचे वाले खेत पे तो पूरा ट्रैक्टर लगा दिया है, अब इस वाले खेत पे जुताई हो रही है। मैं सार रहा हूँ सामने ये ढेर देखिए ऑर्गेनिक गोबर की खाद, ऊपर से भाभी भर रही है, मैं ढो रहा हूँ, सामने पापा भर रहे हैं दवाई। और नीचे देखिए मस्त गेहूँ हो रखे हैं, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन गेहूँ हो रखे हैं इस बार। और साथ में मनु भी आई है माल्टा लेके। मनु कहाँ जा रही है, क्या लाई है मेरे लिए? ला मेरे को दे आया माली। बोल नहीं रही है, क्या लाई है बता दे सबको, सबको बता दे। ला फिर एक मेरे को दे दे।
ठीक हो गया। तो इस प्रकार होती है दोस्तों हमारी किसानी खेतीबाड़ी, और देखते हैं अभी इसको जुताई करने में ये वाले खेत को कितना समय लगता है। तो फ्रेंड इस प्रकार होती है हमारी पहाड़ों में किसानी, बरसों से लोग यहाँ पे किसानी करते आ रहे हैं और अभी भी बढ़िया किसानी यहाँ पे लोग करते हैं। मुख्य फसल है आलू, गोभी, मटर, गेहूँ और तरह तरह के फल, सभी चीज़ों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, टेक्निक जो हो रही है वो मॉडर्न होते जा रही है। पहले होती थी बैलों से जुताई, आप देखिए ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है। तो दोस्तों लंच के बाद फिर से आ चुके हैं खेतों पे, और ये वाला खेत हमने एक बार में तो कंप्लीट जुताई कर दी, अब इसके ऊपर दोबारा जुताई करेंगे ताकि और बढ़िया मिक्सर हो जाए मिट्टी। बाकी ऊपर वाले पहाड़ पे मस्त बादल आ रहे हैं, मैं लगाता हूँ आपके लिए हाइपरलैप। तो फ्रेंड मैंने भी पहली बार आज ट्रैक्टर चलाया, और सुविधा तो है इस पे, आसानी से काम हो जाता है। पहले जितना खुदाई करनी पड़ती थी बैलों द्वारा जुताई होती थी, उसके बाद भी एक बार फिर खुदाई करनी पड़ती थी, लेकिन ये एक बारे में जो मिट्टी है उसको एक बार में ही बढ़िया बना दे रहा है। आसानी तो है लेकिन थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा मेहनत लगती है इसको, इधर उधर हिलाना पड़ता है क्योंकि पूरी बॉडी को ये वाइब्रेट करती है। तो ये वाला पूरा खेत था, इस पर मैंने जुताई करके इसको देखा, काफ़ी अच्छा लगा, थकान भी हो रही है थोड़ी। फ्रेंड अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, पेट्रोल लाने वाला हूँ 1 लीटर, और लास्ट वाला खेत है उस पर जुताई चल रही है, तेल ख़त्म होने वाला है, 1 लीटर ले आता हूँ। ट्रैक्टर जो हमारे पहाड़ों में अब आधुनिक जो मॉडर्न तकनीक चल रही है, ट्रैक्टर आ रहे हैं, जुताई हो रही है, बढ़िया है। जिनकी मिट्टी थोड़ी हल्की होती है उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है, और थोड़ा बहुत ये है कि थकान काफ़ी ज़्यादा लगती है ट्रैक्टर पर। आसानी तो रहती है, कोई झाड़ नहीं, कोई ये नहीं, आसानी तो रहती है, कोई झंझट नहीं है उस पर, लेकिन थकान काफ़ी लग रही है। मैंने भी थोड़ी देर पहली बार ट्रैक्टर चलाया, अच्छा तो है लेकिन थकान काफ़ी लग रही है, और देखते हैं कितनी देर और लगती है, पहले तेल ले आता हूँ घर से। तो दोस्तों फाइनली पेट्रोल ले आया हूँ घर से, अब जा रहा हूँ फिर से खेतों की तरफ। आज हमारी जुताई कम्प्लीट हो जाएगी, फिर लगने वाले हैं आलू। और इस प्रकार हमारी किसानी होती है यहाँ पहाड़ों पर, इस प्रकार हमारी खेती होती है, और घर के काम भी करने पड़ते हैं। और फ्रेंड फाइनली पहाड़ों पर एक और शाम हो चुकी है, देखिए खूबसूरत नज़ारा आ रहा है अभी शाम के समय में। आज दिन भर काफ़ी काम हो गया घर पे, घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, घर की हेल्प भी करनी पड़ती है, और अभी हो गई है शाम, थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है आज। शाम का एक खूबसूरत व्यू आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए जय हिंद।